कि पापा की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं वीडियो नहीं डाली थी। नमस्ते, आप लोगों को पता होगा मैंने बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाली थी क्योंकि मेरे पास दो रीज़न, एक सैड न्यूज़ है, एक गुड न्यूज़ भी है। गुड न्यूज़ पहले बता देती हूँ, वो है मेरी बेटी पैदा हुई है, मतलब मेरी दीदी की एक बेटी हुई है। आपको पहले वीडियो डाली थी, आप लोगों ने देखे होंगे, एक बेटा हुआ था और सेकंड दीदी का वो लड़की हुई है। और बैड न्यूज़ ये है कि मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं वीडियो नहीं डाली थी। वो अभी थोड़े बेटर है, वो अभी मेडिसिन ले रहे हैं, अभी भी टेस्ट चल रहा है, कुछ दिनों के बाद रिपोर्ट आएगा। रिपोर्ट आने के बाद मैं बताऊँगी क्या डॉक्टर ने बोले। डॉक्टर ने अभी फर्स्ट रिलीफ के लिए मेडिसिन दिए हैं, वो मेडिसिन खा रहे हैं और कुछ कम, थोड़ा थोड़ा कम हुआ है, अभी भी चल रहा है। दीदी पापा की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं वीडियो नहीं डाली थी। अभी थोड़ा बेटर है, फास्ट रिलीफ के लिए डॉक्टर ने मेडिसिन दिए हैं, वो मेडिसिन खा रहे हैं। कुछ टेस्टिंग करने के लिए बताए थे, अभी टेस्टिंग करने के लिए मैंने यूरिन और ब्लड भी दे दिए, और कुछ रिपोर्ट आएगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। पर अभी के लिए फर्स्ट रिलीफ के लिए मेडिसिन खा रहे हैं, कुछ हद तक ठीक लग रहा है, मतलब 40% ठीक लग रहा है, 60% अभी भी है। इसलिए मैं बहुत सैड थी, मैं आपको अपनी फीलिंग्स बता नहीं सकती, इतनी दुखी थी। मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, उसके साथ पापा की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए बहुत टेंशन में थी। मेरे दूसरे ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ अपनी बेटी की वीडियो शेयर करूँगी। अभी के लिए आज प्रथमाष्टमी उड़ीसा में मनाया जाता है, प्रथमाष्टमी जो बड़ा होता है, मतलब पिता माता का जो बड़ा बेटी या बेटा होता है उन लोगों के लिए पूजा किया जाता है। वो लड़का वो लड़की जो बड़ा होता है वो पहनता है नया ड्रेस। आज मैंने नया ड्रेस पहनी है, आप लोगों को कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। और उसी दिन आज सब लोग खाते हैं पीठा मीठा, सब खाते हैं, स्वीट्स खाते हैं, जैसे हम बनाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ बनाते हैं पीठा, बोलते हैं एंदूरी पीठा स्पेशल होता है इस ओकेज़न में, एंदूरी पीठा बहुत स्पेशल होता है। आज मैं दिखाऊंगी एंदूरी पीठा, आइए दोस्तों देखते हैं कैसे बनाते हैं, और इसका बहुत टेस्टी होता है। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर बैटर बना लिए, मैं इस बैटर के बारे में बाद में आपको बता दूंगी। हमने यहाँ पर बैटर को ले रहे हैं, अपने हिसाब से पत्ते लिए हैं, पत्ते में इसको बैटर को डाल रहे हैं। ये सब बना लें डायबिटीज़ लोगों के लिए, इसलिए हम बस बैटर ही डाल रहे हैं, इसके अंदर पूर नहीं डाल रहे हैं। अब पत्ते लिए हैं, केला का पत्ता, केले के पत्ते में हम बैटर को डाल रहे हैं, अच्छे से स्प्रेड करना है हमें। आप चाहे छोटा करना चाहे तो छोटा कर सकते हैं, हम थोड़ा पत्ते के हिसाब से बना रहे हैं। उसके बीच में पूर डाल रहे हैं, पूर डाल के ऐसे बंद करना है, दोनों ऐसे बंद करना है, लेकिन थोड़ा बंद करके ऐसे स्टीम में डालना है हमें। बंद नहीं हो रहा है ये, अच्छे से हमने बैटर नहीं दिए हैं इसलिए बंद नहीं हो रहा है, इसलिए आपको अच्छी तरह से बैटर को डालना है। मैंने पूर के ऊपर से बैटर को डाल दिए हैं, पूर भी कंप्लीट हो गया है, मैं उसी तरह बाकी को भी बना लेते हैं। हमें इस पत्ते में बैटर को अच्छे से हमें स्प्रेड करना है ताकि उसके अंदर पूर रहे और बाहर बैटर रहे, ताकि अच्छी तरह से केक बने हमारा, स्टीम केक हमारी स्पेशल एंदूरी पीठा बना सके हम, प्रथमाष्टमी स्पेशल एंदूरी पीठा। हमें पूर दे दी, इसके ऊपर से हम बैटर को डाल रहे हैं ताकि अच्छे से बंद हो जाए, हम इसको टी में डालते हैं। दोस्तों मैंने ला ली एंदूरी पीठा, और ये रहा हमारा पीठा, और ये रहा पीठा, आइए दोस्तों खाते हैं, बहुत टेस्टी। ये एंदूरी पीठा है, इसको पत्ते में बनाया जाता है, आपके जैसे कि टर्मेरिक का लीव से ये बनाया जाता है। इसको इसके अंदर से देखिए, मैं इसको दिखा रही हूँ, ऐसे बनाता है ये डोव के अंदर, ये सब उसका पूर देते हैं। जैसे आप चाहे तो पनीर से बनाए, पनीर में दे, चीज़ में कॉटेज चीज़ भी दे सकते हैं, और कोकोनट दे सकते हैं अपने हिसाब से। आप चाहे तो वेजिटेबल का
विपुर दे सकते हैं इसके अंदर। हमने यहाँ पर कॉटेज चीज और नारियल के थोड़े बनाया है, इसको हमने दिया है पूर में। इसको पत्ते से ऐसे निकालते हैं, निकाल कर खाते हैं। आइए दोस्तों मैं दिखाती हूँ आप लोगों के साथ, इसे पत्ते से निकालते हैं और इसको खाते हैं। बहुत यम्मी है। और उसके साथ रसगुल्ला, थैंक यू दोस्तों। मैं आप लोगों के साथ मेरी दूसरी ब्लॉग में मेरी बेटी हुई है, आप लोगों के साथ पहले मैं मेरे बेटे का तो वीडियो दिखाई थी, अब नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों के साथ बेटी की वीडियो दिखाऊंगी। आइए खाते हैं। ये होता है मेरे उड़ीसा में बनाया जाता है प्रथमाष्टमी, ओ उसी के लिए ये पीठा बनाया जाता है, इसको बोलते पीठा, उड़िया में बोलते पीठा, आप लोग बोल सकते हैं केक। ये हमारा स्टीम किया गया केक है, हमने बनाया है, इसलिए पत्ते में बनाया जाता है, इसको बोलते हैं एंडूरी, इसका नाम है एंडूरी पीठा। और ये रहा आप लोग रसगुल्ला, अभी रसगुल्ला खाएंगे। नमस्ते दोस्तों, बाय।